सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। 18वें एशियाई खेलों का दूसरा दिन है। पहले दिन भारत की झोली में दो पदक आए। पहलवान बजरंग पुनिया ने गोल्डन मेडल जीता। इसके अलावा शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला। खेलों के दूसरे दिन भी देश को शूटर्स और पहलवानों से ज्यादा पदक जीतने की उम्मीद होगी। भारतीय निशानेबाज दीपक कुमार ने एशियन गेम्स 2018 के दूसरे दिन भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में उन्होंने 247.7 अंक हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि चीन के शूटर यांग ने एशियन गेम्स रिकॉर्ड अंक 249.1 के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। लू शाओचुआन को ब्रॉन्ज मेडल मिला। इस स्पर्धा में रवि कुमार पदक नहीं जीत पाए, उन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ। भारत का शूटिंग में यह दूसरा पदक है। अब भारत की झोली में 3 पदक आ चुके हैं। पहलवान बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा शूटिंग के 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में अपूर्वी चंदेला और रवि कुमार की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। प्रियम न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।